1971, एक अमेरिकन एयरलाइन के विमान ने अपनी मंजिल के लिए अभी अभी टेक ऑफ किया है। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि तभी विमान में सबसे आखिरी सीट पर बैठा एक शख्स एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और उसे एक चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में कुछ ही लाइनें लिखी थी जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी थी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज भी उसे जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात है, अमेरिका के सबसे पावरफुल एजेंसी पिछले 50 सालों से उस शख्स के बारे में 1% भी पता नहीं लगा पाई। इस वाक्य की शुरुआत 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जिसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया, ये शख्स देखने में एक बिजनेसमैन लग रहा था। इस टाइम पे अमेरिका में ना ही किसी पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही किसी की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये जहाज जिसका नाम बोइंग 727 था, जिसको अभी पोर्टलैंड से सिएटल जाना था, सनग्लासेस लगाए हुए एक ब्रीफकेस के साथ ये पैसेंजर जहाज में सवार हुआ और जहाज की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही एक सिगरेट जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि 70s में फ्लाइट में स्मोकिंग अलाउड थी। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर अपने पास बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेलप थमा देता है। ये एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था, उसने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो मानो जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक टू सिट बाई मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शेफनर जब डैन कूपर के बगल में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टेक और एक डेटोनेटर लगा हुआ था। इट्स मीन जहाज हाईजैक हो चुका था। और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2,00,000 कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 और पैसेंजर थे जिनको पीछे होने वाले इस घटना के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। फ्लोरेंस शेफनर जाकर पायलट को ये सारी बात बताती है और एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलो था, वो अब डैन कूपर के पास में आकर बैठ गई, जिसके जरिए डैन कूपर अपनी सारी बातें पायलट तक पहुंचा रहा था। अब लोकल अथॉरिटी और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सिएटल में लैंड करना था, वो अब पिछले 1.5 घंटों से एयरपोर्ट के चक्कर काट रही है। और प्लेन में बैठे 35 पैसेंजरों को ये बताया गया कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण प्लेन की लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इस समय तक सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे कर लिए गए, जिसके सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया था। और 5:45 पे प्लेन के लैंड करने पे डैन कूपर के मुताबिक उसे पैसों से भरा बैग और 2 जोड़ी पैराशूट दे दिए गए और प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर को जाने दिया, बाकी पायलट और 2 क्रू को प्लेन में ही रहने को कहा। अब रात हो चुकी थी और प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है, जिसके बाद डैन कूपर ने अपने पास में बैठी टीना मैकलो को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दी। वो चाहता था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स खुले रहें और एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। अब सीधा मैक्सिको जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रेनो और फिनिक्स। डैन कूपर रेनो के लिए मान जाता है। रात के अंधेरे में डैन कूपर टीना मैकलो को पायलट के पास जाने को कहता है। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे पलटी तो उसने देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है। उसके बाद प्लेन की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर वहां से कूद गया। 3 घंटों के बाद जब प्लेन रेनो में लैंड हुआ तो पूरे प्लेन को अच्छे से चेक किया गया, लेकिन प्लेन में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिला। इस घटना के बाद डैन कूपर का कोई भी पता नहीं चला। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका को चकमा देकर वो कहां चला गया? अब प्लेन की सीढ़ियां खुले होने की वजह से ये तो पक्का था कि कूपर ने सिएटल के बीच में ही कहीं छलांग लगाई थी। FBI ने प्लेन से सारे सबूतों को इकट्ठा किया, जिसमें कूपर की एक टाई, 8 सिगरेट बड्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला। यहाँ तक कि किसी के पास उसकी कोई फोटो भी नहीं थी। क्रू की मदद से डैन कूपर के कुछ स्केच तैयार करवाए गए। डैन कूपर को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी था कि उसने किस जगह पर फ्लाइट से जंप किया था। फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पे था, इसलिए प्लेन जिस पाथ पर फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही पता थी, साथ में फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चला कि प्लेन के स्टेयर 8:10 पर खुले थे। इन सभी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया बनाया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सर्च टीम ने इस पूरे एरिया को चप्पा चप्पा छान मारा,
लेकिन कूपर या उससे जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। इस एरिया में इतनी ज्यादा ठंड थी कि सभी को यही लग रहा था कि डैन कूपर मारा गया होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार FBI ने पब्लिक से हेल्प लेनी शुरू की। डैन कूपर के स्केच और $2,00,000 के सीरियल नंबर न्यूज़पेपर में डाले गए। FBI को ये पता था कि अगर कूपर जिंदा होगा तो वो पैसों को कहीं ना कहीं खर्च जरूर करेगा, लेकिन कभी भी उस सीरियल नंबर के नोट कहीं भी सामने नहीं आए। अब इस सब के 9 सालों बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच जिसे टीना बार के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक बच्चे को खेलते हुए मिट्टी में नोटों के 3 गड्डियाँ मिली। ये टोटल $5,800 थे। बच्चे के पेरेंट्स इसे लेकर FBI के पास गए और ये नोट उन सीरियल नंबर से मैच हो गए जो डैन कूपर को दिए गए थे। इस कामयाबी ने केस को सुलझाने की जगह और भी उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये नोट कूपर की ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर मिले थे। पहले तो ये सोचा गया कि पैसे ड्रॉप जोन में बह रही लुइस रिवर में डैन कूपर से गिर गए होंगे और फिर बहते बहते कोलंबियन रिवर में आ गए होंगे, लेकिन बाद में ये नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, यानी कि पैसे लुइस रिवर से बह के टीना बार तक किसी भी हालत में नहीं आ सकते। FBI के लिए ये केस सुलझने की जगह और भी उलझता जा रहा था। इस केस के लिए कूपर जैसे दिखने वाले कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन इसमें भी FBI को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। कई थ्योरी तो ये भी कहती है कि कूपर एक ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था जिसे ऑपरेट करना ज्यादा मुश्किल था उस पैराशूट से जिसको उसने प्लेन में ही छोड़ दिया था। FBI के पास डैन कूपर के ये स्केच और ये एक टिकट थी जिसपे उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिसपे क्लिप लेफ्ट साइड पे लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कूपर लेफ्ट हैंडेड था। पिछले 50 सालों से FBI को इस केस ने उलझा कर रखा है और इस केस की फाइल आज तक खुली है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करके ऐसे ही कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।